हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एन हिंदी टीचर इन आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईसरगढ़। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई वेलकम यू ऑल टू जॉइन ऑनलाइन क्लासेस। आई होप सी यू सून इन क्लासेस। स्टे होम, स्टे सेफ। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक स्मास। हिंदी व्याकरण में हम स्मास पढ़ेंगे आज। पीछे की जो क्लासेस थी उसमें हमने संधि कंप्लीट की थी, तो समास के बारे में हम पढ़ते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और आस। तो सम का अर्थ होता है पूर्णतः, अच्छी तरह या निकट, ये तीन अर्थ होते हैं इसके। आस का अर्थ होता है होना या रखना। तो इस प्रकार से समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, छोटा रूप, किसी भी पद को क्या है, छोटा करना या छोटा रूप, किसी भी पद का छोटा रूप क्या कहलाता है, समास। तो समास की परिभाषा देख लेते हैं हम। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई इनकी कि दो या दो से अधिक शब्द, या तो दो होंगे कम से कम या दो से अधिक हो सकते हैं, उनके बीच के अंदर क्या है, विभक्ति लगी होती है, उनका जो लोप करके मतलब उनको हटा करके जो सब छोटा रूप बनता है, फिर लोप हो जाएगा विभक्तियों का, तो क्या हो जाएगा, पद अपने आप छोटा हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेके समझाया हुआ है यहाँ मैंने, रसोई के लिए घर, तो इसका क्या बन गया समास, रसोई घर। तो के लिए है, ये क्या है इसके अंदर, रसोई के लिए, तो ये क्या है, विभक्ति है इसके अंदर, तो ये विभक्ति का लोप कर दिया तो ये क्या हो गया, रसोई घर। इस प्रकार से हम समास का निर्माण करते हैं। समास विग्रह भी होता है। विग्रह का अर्थ क्या होता है, तोड़ना होता है। विग्रह किसी को विग्रह कर दिया, हम लोग उसको तोड़ दिया, तो समास विग्रह में क्या होता है, वो तो हो गया समास का बनाना किसी भी पद का। और समास विग्रह क्या होता है, किसी समासिक पद या समस्त पद, जो ये जो पद दिया होगा को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे रसोई घर दे दिया, ये एग्जांपल, यही एग्जांपल हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जैसे रसोई घर दे दिया, तो रसोई घर है इसको क्या है, एक साथ में है ये रसोई घर, तो रसोई घर को क्या है, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इसके बीच में तोड़ के और उसके बीच में विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विभक्ति कौन सी आएगी, के लिए, इसके अंदर विभक्ति आएगी। तो ये इसका उल्टा भी ये भी कर सकते हैं, यदि ये दिया हुआ हो तो ये कर सकते हैं, और ये आपसे ये पूछे कि इसका समास बनाइए रसोई के लिए घर का, तो रसोई घर हो जाएगा, और रसोई घर का समास विग्रह कीजिए तो इसके इसका ये हो जाएगा, रसोई के लिए घर। तो इस प्रकार से हम समास विग्रह कर सकते हैं। ये हो गया समास विग्रह। अब हम आगे पढ़ते हैं समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं, समास के छह भेद होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से होते हैं, एक नंबर है वो क्या है, अव्यवाही समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, और सिक्स्थ जो नंबर है वो क्या है, बहुविधि समास। ये समास के छह भेद होते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक इसमें है ये अव्यवाही समास, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अव्यवाही समास क्या होता है, तो इसकी क्या है, एक सरल पहचान क्या है कि इसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, प्रधान कह सकते हैं, या पहला पद उपसर्ग या अव्यव होता है। पहला पद क्या होता है इसका, अव्यय भाव समास से क्या होगा, अव्यव होगा, पहला पद क्या होगा, अव्यव होगा, और उसमें पहला पद प्रधान होगा, मतलब जो शब्द दिया होगा या समासिक पद होगा तो उसका क्या है, पहला जो पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा, मतलब उसकी प्रधानता रहेगी। तो उसको हम देखते हैं कैसे होगा पहला पद प्रधान। और अव्यव क्या होते हैं, उपसर्ग भी आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे, आगे के जो टॉपिक हैं वो उपसर्ग पढ़ते भी पढ़ोगे। उपसर्ग क्या होते हैं, ये जो आगे शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग के बारे में आप पहले भी जानते होंगे इतना तो। और अव्यव क्या होते हैं, अव्यव
वे शब्द जो क्या होते हैं लिंग वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। मतलब वो क्या है, कोई भी अव्यय शब्द वे होते हैं लिंग, जैसे लिंग कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन एक वचन बहुवचन, काल कौन से, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, ये काल हो गए, तो इनके अनुसार इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाते हैं अव्यय। तो अब देख लेते हैं इसके आगे भी देखते हैं, तो इसमें आगे भी ये चीज़ दे रखी है, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है, ये होता होते हैं प्रयुक्त होते हैं वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। मतलब कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे घर घर हैं तो इनके क्या होते हैं प्रत्येक घर घर का क्या हो जाता है प्रत्येक घर, तो इस प्रकार से क्या है एक शब्द दो बार आ जाए तो भी उसको क्या है अव्ययभाव समास होता है। और कभी कभी दूसरा पद भी अव्यय के रूप में मिल सकता है आपको, दूसरा पद होता है वो भी अव्यय के रूप में मिल सकता है। तो इस प्रकार से जैसे देख सकते हैं हम इसका एग्जाम्पल लेके, यथासंभव, यथासंभव है जो समास दिया गया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा जैसा संभव हो सके, इसका क्या बन जाएगा अर्थ जैसा संभव हो सके, जैसा संभव हो सके। तो यथा का अर्थ क्या होता है के अनुसार या जैसा या जिसका या जिसकी, ये अर्थ होते हैं यथा के। तो जैसा संभव हो सके में क्या है यहाँ पे जैसा संभव हो सके का भाव जैसा पर निर्भर करता है, तो क्या है पहले पद का अर्थ ही प्रधान हो गया, जैसे संभव है तो संभव क्या है किस पे डिपेंड कर रहा है जैसे जैसा पे, और जैसा क्या है यथा का अर्थ, यथा का क्या होता है अर्थ क्या होता है जैसा, तो ये क्या है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि यथा क्या है बदल नहीं रहा है, इसके अंदर कोई भी जो लिंग वचन है वो उसके बदले ही नहीं, यथा एक शब्द है वो वैसा का वैसा रहेगा। संभव है संभव को क्या है बदल सकते हैं, जैसे कि जैसा संभव हो सके, तो जैसा संभव हो सके ये आया है, तो जे संभव को तो सीधा संभव संभव हो है, ये चीज़ संभव है, और इसमें क्या क्या हो गया यथा संभव में जैसा संभव हो सके, तो संभव के आगे पीछे जुड़ने से क्या संभव का तो मीनिंग क्या है चेंज हो सकता है, लेकिन यथा का मीनिंग है वो जैसा या के अनुसार या जिसका जिसकी यही रहेगा, इसके अलावा कोई इसका रूप हो नहीं सकता। इसके आधार पर क्या है किस इसकी अव्ययभाव की संरचना देख लेते हैं, संरचना की तीन प्रकार की होती है, कौन कैसे कैसे होती है तीन प्रकार की वो देखते हैं। पहले अव्यय या उपसर्ग प्लस अन्य शब्द, पहले या तो उपसर्ग या अव्यय शब्द आ जाएगा और उसके पीछे दूसरा शब्द होगा, जैसे ये एग्जांपल देख लें यथाशक्ति है, तो यथा के अंदर क्या है यथा क्या है अव्यय है और शक्ति क्या है अन्य शब्द है, तो ये देखो फर्स्ट और सेकंड मैंने दर्शा रखा ऊपर, तो ये यथा है वो अव्यय या उपसर्ग के है, तो ये और शक्ति है वो क्या है अन्य शब्द है। इसी प्रकार से एक तो ये रूप हो गया, एक दूसरा रूप अन्य शब्द, अन्य शब्द कोई भी अन्य शब्द आ जाए और इसके बाद अव्यय आ जाए, जैसे इच्छा अनुसार, इच्छा क्या शब्द है अनुसार क्या है ये अव्यय है। इसी प्रकार तीसरा रूप क्या है शब्द या क्रिया प्लस वही शब्द या क्रिया, मतलब कि शब्द या क्रिया में से कोई सा ही आ जाए, जैसे घर घर है तो वही सेम टू सेम वही दोबारा आ रहा है घर घर, दिनों दिन भागम भाग, तो ये क्या है वापिस वही चीज़ें आ रही है, तो वो क्या है इस प्रकार ये तीन रूप में ये क्या है अव्ययभाव समास देखने को मिलेगा। जैसे यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, तो इसमें क्या है यथा क्या है अव्यय है, ये पहले के अकॉर्डिंग बना है, और फिर इसमें आ जानू जानुओं तक, जानू मीनिंग क्या होता है जानुओं का घुटनों, घुटनों से संबंधित होता है, आ जानू जानुओं तक, आ जानू जानुओं तक, ये इसका समास का विग्रह हो गया। तो आ है वो इसमें आ जानू में आ क्या है उपसर्ग के रूप में आया है यहाँ पे। इसी प्रकार आगे का जो एग्जांपल समय अनुसार, समय के अनुसार, तो इसमें क्या है समय क्या है शब्द है, अनुसार क्या है अव्यय है, तो ये क्या है? इस दूसरे के अकॉर्डिंग आ गया।
इसी प्रकार शब्द या क्रिया प्लस वही क्रिया, जैसे रातों रात, तो इसमें क्या है, रात ही रात में, ये इसका अर्थ हो जाएगा, लेकिन रातों रात क्या आया है, वही शब्द वापिस से रात का, रात ही वापिस इसमें पुनरावृत्ति हो गई। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। इसकी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। तो अव्ययीभाव समास, समास का अर्थ क्या होता है, छोटा रूप, ये इसका समास विग्रह, विग्रह क्या होता है, तोड़ना, तो किसी समास को क्या है, तोड़ना, वो क्या कहलाता है, समास विग्रह। समास के भेद कितने हो गए, 6 भेद हो गए, जैसे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार फिर हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव, एक एक करके इनको क्या है विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो अव्ययीभाव समास में हमने क्या पढ़ा कि इसकी पहचान क्या होती है, पहला पद प्रधान होता है, पहला जो पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है, या पहला पद ऐसे कह सकते हैं उपसर्ग या अव्यय होता है। फिर क्या है, एक और भी हो सकता है इसमें क्या है, शब्द की पुनरावृत्ति से दोनों शब्द मिलकर भी समास बना सकते हैं, कभी कभी दूसरा पद भी अव्यय के रूप में मिलता है। तो ये हमने देखा और इसके एग्जाम्पल देखे, इसकी संरचना देखी, 3 प्रकार की हो सकती है, अव्यय या उपसर्ग प्लस अन्य पद लगकर भी समास बन सकता है, या अन्य पद प्लस अव्यय बन के भी समास बन सकता है, शब्द क्रिया प्लस वही शब्द या क्रिया बन के भी क्या है अव्ययभावी समास बन सकता है। लेकिन मेनली इसमें फर्स्ट जो है होता है वो उसका प्रयोग होता है कि अव्यय या उपसर्ग प्लस अन्य शब्द। तो ये एग्जाम्पल लगभग आपको इसी के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, हो सकता है आपको इसके भी मिल जाएं, इसके बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ये आपको सारी बातें इसके अव्ययीभावी समास के बारे में बता दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।